वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और ये व्लॉग जो है वो है वैक्सीन लगवाने का। जैसा कि आपको देख रहा होगा, डबल मास्क पहने हुए हैं, चश्मा भी पहना हुआ मैंने प्रोटेक्शन के लिए, ताकि आंखों से प्रोटेक्शन हो जाए। पता भी नहीं चल रहा होगा कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा, बट ये मैं ही बोल रहा हूँ। बड़े टाइम से मैं ट्राई कर रहा था कि एक अपॉइंटमेंट बुक हो जाए कोविन पे। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैंने बुक करी है। बड़ी मुश्किल से ही मिला है, एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया था मुझे ट्राई करते हुए। इसमें कोई जुगाड़ नहीं है, पहली बार मैंने ऐसी चीज़ देखी जिसमें कोई जुगाड़ नहीं है, बट हाँ मेहनत है अपनी। तो मैं आपको दिखाता हूँ एंड लेट्स गो, जाके देखते हैं कि सेंटर में कैसा है, भीड़ है या नहीं है। वैसे तो नोटिफिकेशन के दो तीन ऑप्शंस होते हैं। एक होता है टेलीग्राम, जो कि मुझे बिल्कुल ही बकवास लगा, क्योंकि अगर टेलीग्राम में आप लॉगिन करते हो तो वहाँ की नोटिफिकेशंस इतनी सारी होती है ग्रुप्स की कि आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। सबसे बढ़िया तरीका है पेटीएम वाला, यहाँ जाइए और यहाँ पर जाके आप रजिस्टर कर लीजिए और आपको नोटिफिकेशन आ जाती है जैसे ही स्लॉट खुलता है, एंड इट्स वेरी ईजी। बट आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप जल्दी से जल्दी जाके अपना नंबर डाल लें और उसके बाद ओटीपी रिसीव हो। सो यू विल हैव टू मेक श्योर दैट यू कीप ऑन लॉग्ड इन। हाउएवर देयर इज नो गारंटी ऑफ दिस आल्सो, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि बुक पक्का होगा। आई एम सो लकी, आज तो मौसम बहुत ही कातिलाना हो रहा है, देख लो बारिशों का टाइम आ गया है। आप लोग आम वाम खा रहे हो नहीं खा रहे? बढ़िया बढ़िया आम आ गए तो, बढ़िया बढ़िया मीठे मीठे। मौसम बहुत अच्छा हुआ, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, लाजवाब। सारी दुकानें बंद बट कई दुकानें खुली हुई हैं खाने पीने की। लॉकडाउन का असर, ऑलमोस्ट एक महीना होने वाला है लॉकडाउन को अगेन। अब तो लोग आदत सी हो चुकी होगी। कोविन की वेबसाइट पर बुक करना बहुत ही सिंपल है। कोविन की वेबसाइट पर जाइए सबसे पहले, उसके बाद फिर रजिस्टर करिए, अपना फ़ोन नंबर डालिए और फ़ोन नंबर डाल के गेट ओटीपी पे क्लिक कर दीजिए। आरोग्य सेतु से मत करना क्योंकि उसमें टाइम लगता है, दिस इज़ द फास्टेस्ट वे। नंबर डाल के फिर जब गेट ओटीपी करोगे देन यू विल एक्चुअली गेट अ ओटीपी ऑन योर फ़ोन नंबर, जिससे फिर आपको लॉग इन हो जाएगा। और उसके बाद आपको अपना नाम डाल के रजिस्टर करना पड़ेगा अलॉन्ग विथ योर आधार कार्ड नंबर या फिर कोई भी आई कार्ड में पैन कार्ड भी चल जाता है, वोटर आई कार्ड भी चल जाता है। एक मोबाइल नंबर से आप 5 नाम रजिस्टर कर सकते हैं एंड 5 बुकिंग कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट यू आर वेरी क्विक। पिन कोड डालने में और उसके बाद सर्च करने में ये ऑप्शंस आते हैं, जिसमें 18+ पे अगर क्लिक करोगे और अगर से ऑप्शंस अवेलेबल होंगे तो ये जितनी भी कोविशील्ड की डिटेल्स डाली हुई हैं ग्रीन रिफ्लेक्ट करेगा। और जब पेटीएम से आता है आपको अपडेट, उसी टाइम पे लॉग इन करोगे तो विद इन 15 सेकेंड्स में आपकी स्लॉट बुक हो जाती है। दिल्ली में अगर इतना ही ट्रैफिक हो तो दिल्ली में रहने में मज़ा ना आ जाए। काश दिल्ली की पॉपुलेशन कम होती और एक गाय भैंस ना होती और कूड़ा कबाड़ा ना होता तो दिल्ली रहने लायक होती। इतना पोल्यूशन, उसके ऊपर से इतनी पॉपुलेशन, ये तो लॉकडाउन है तब जाके इतनी गाड़ियाँ दिख रही हैं। अदरवाइज़ तो यहाँ का हाल आपने देखा ही होगा, जो लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था, बड़ा ट्रैफिक होता है हर जगह। इनका तो मुझे कभी कोई सोल्यूशन नहीं दिखता है, बेचारे यहीं पर कोई रहने की जगह नहीं होती इनकी, कूड़ा खा रहे हैं। दिल्ली में गाड़ी चलाने का मज़ा ही कुछ और है जब ट्रैफिक ना हो। हमारा अगर ट्रैफिक हो तो क्लच दबा दबा के नस दर्द हो जाती है लेफ्ट पैर की, ऐसा लगता है लेफ्ट साइड पैरालाइज हो जाएगा पूरा। ये देखो यहाँ पे भी कुछ ना हो सकता। बस अब हम पहुंचने वाले हैं जो साइट है दिल्ली गवर्नमेंट की ओर से, जो सारे एमसीडी स्कूल्स में है। मुझे ये 110084 पिन कोड पर अवेलेबिलिटी मिली थी, मैंने डाला था नॉर्थ साइड और यहाँ पे अवेलेबिलिटी मिली थी मुझे। एक हफ्ते से ज़्यादा मैंने ट्राई किया था, चलो देखते हैं कैसा है अंदर माहौल। वैसे मेरे एक दोस्त ने लगवाई थी, उसने बोला भीड़ तो नहीं है, बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है दिल्ली गवर्नमेंट ने। मैं जब तक आंख से ना देख लो, खुद ना देख लो, तब तक क्या पता कौन क्या बोलता है। कईयों ने मुझे बोला कि बहुत लंबी लंबी लाइन होती है, लाइन होगी तो मैं तो जाऊंगा नहीं। पहले यहाँ अपॉइंटमेंट का मैसेज दिखाना है और यहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम।
लगा था भेजने ऑनलाइन बुकिंग में बहुत सारी साइट सिखाता है, साइट वन, साइट टू, साइट थ्री, साइट फोर, वो सेम लोकेशन में होती है। साइट वन, साइट टू, साइट थ्री, साइट फोर, साइट फाइव का मतलब ये है कि साइट वन लाइन वन या फिर रो वन, साइट टू रो टू एंड सो ऑन। तो अगर कहीं पे भी साइट फाइव है, फाइव तक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोकेशन डिफरेंट है। उसी लोकेशन पे पांच इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स बना रखे होंगे या फिर पांच रोज बना रखे होंगे और आपके स्लिप पे आपको रो नंबर दे रखा होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज वे लगा मुझे। बस अब ये पर्ची मिलेगी ऐसी वाली जिसमें आपका नाम लिखा होगा और ये नंबर लिखा होता है, जैसे मेरे केस में 43 है। अब ये यहाँ से अनाउंसमेंट करते हैं, ये नंबर, ये सीट नंबर 1, 2, 3, 4th row, 5th row। तो जो आपको साइट मिलेगी वो स्कूल में ऑन साइट मिलेगी। मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि मेरे दोनों हाथ के बाजुओं पे टैटू बने हुए थे बड़े बड़े, और जो डॉक्टर थी या जो भी नर्स थी जो मेरे को इंजेक्शन लगा रही थी, शी वॉज़ कन्फ्यूज़ कि टैटू के ऊपर लगा सकते हैं कि नहीं। और वैसे मेरे टैटू लगे हुए बने हुए काफ़ी साल हो गए थे, सो इट वॉज़ ओके। सो अगर आपके आर्म्स में टैटू है या कुछ भी निशान है, इट्स ओके, वैक्सीन लगवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं इंजेक्शन लगवाने में। वैक्सीन लगवाने से पहले मेक श्योर कि आपने भरपेट खाना खाया हो एंड यू आर नॉट एम्प्टी स्टमक, बिकॉज अगर से वहाँ पे आपसे पूछें और आप बोलोगे आपने कुछ खाया ना नहीं खाया, तो वो आपको वैक्सीन नहीं लगाएंगे। वैक्सीन लगाने के बाद हर वैक्सीनेशन सेंटर में एक रूम होगा विच इज़ डेडिकेटेड फॉर वेटिंग। आधा घंटा आपको उस वेटिंग एरिया में बिठाया जाएगा और ऑब्जर्व करा जाएगा। जब एंट्री होगी तब टाइम नोट करते हैं, तो आधे घंटे से पहले आप बाहर नहीं निकल सकते। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव टू सिट देयर फॉर हाफ एन आवर। कोई दिक्कत होती है देन दे विल एडवाइस अकॉर्डिंगली। आधे घंटे की वेटिंग के बाद अब हम जा रहे हैं, क्योंकि हमारे को कोई भी सिम्टम्स या फिर कोई भी फीवर या कोई दर्द नहीं था। मेरे जो बहुत सारे टैटू थे यहाँ पे, तो पहले तो कंफ्यूज होगी जो लगवाने जा रही थी, मेरे को लगाने जा रही थी इंजेक्शन, बट कोई दिक्कत नहीं अगर से आपके टैटू भी है या कुछ भी हो। हाँ जी, वहाँ से बाहर निकलें, ठीक है, वहाँ से बाहर निकलते हैं। एग्जिट इज़ डिफरेंट, एंट्री इज़ डिफरेंट। तो वहाँ से एग्जिट नहीं था, तो ओवरऑल जो प्रोसेस था मेरे को अराउंड 1 आवर लगा है, अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर भी नहीं लगा, वैसे आधे घंटे की वेटिंग थी। तो आधे घंटे आपको वेट करना ही करना है, क्योंकि वो जो फॉर्म होता है उसकी एंट्री होती है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि इंजेक्शन लगाते ही निकल जाओ, आधे घंटे वेट करना है। जब इतना वेट कर लिया लाइफ में, एक घंटा पूरा का पूरा एक साल ख़राब हो गया, तो एक घंटा आधा घंटा वेट करने में क्या जा रहा है। चलो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू, टेक केयर, बी सेफ फ्रॉम कोविड। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बतानी है, सैनिटाइजर ज़रूर रख लेना, क्योंकि जितने भी लोग हैं वहाँ पे किसी को पता नहीं है कोविड है कि नहीं है। इनफैक्ट जो बंदा होगा उसको खुद नहीं पता हो क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव है, क्योंकि वो असिम्प्टोमेटिक हो सकता है। तो एक सैनिटाइजर ज़रूर रख लेना। आई होप आपको ये वीडियो की इन्फॉर्मेशन लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।